अगर आपने अब तक हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में जो सब्सक्राइब की रेड बटन है उसे प्रेस करें, बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे भी हिट करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्रिलिंग टस्ट एंटी एलर्जिक नॉन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट इससे रिलेटेड रिव्यू वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी विंटर का मौसम आ गया है, इसमें हमें सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रिलिंग टस एंटी एलर्जिक नॉन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट है, इसे आप ले सकते हैं। ये तीन वेरिएंट्स में आता है। ये है ग्रिलिंग टस, देन एक है ग्रिलिंग टस BM एंड ग्रिलिंग टस LS। सबके कंटेंट्स अलग अलग है और उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ये जो ग्रिलिंग टस है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसके कंटेंट्स देख सकते हैं। डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, ये जो है फ्रेंड्स, अगर आपको सूखी खांसी या ड्राई कफ की शिकायत है तो इसे ठीक करने में ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। देन है क्लोरोफिनारामाइन मैलिएट, ये एक एंटी एलर्जिक है। अगर आपको कॉमन कोल्ड के लक्षण है या फिर अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है, गले में खराश होना, गले में खुजली होना, तो ये भी जो कंटेंट है फ्रेंड, ये बहुत ही इफेक्टिवली इसे ठीक करने में वर्क करता है। देन है जियोफेनेसिन एंड अमोनियम, ये जो है फ्रेंड्स, ये कंटेंट इसमें जो दिया है ये एक एक्सपेक्टेंट की तरह वर्क करता है। इट मीन्स के अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपके लंग्स के आसपास अगर कफ जम गया है, कॉमन कोल्ड के अगर लक्षण है, तो इसे ठीक करने में ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है। ये एक क्लोराइड सिरप है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 100 ml की ये बोतल है फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर जो इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से कंटेंट्स कितनी मात्रा में इसमें है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। देन फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है इंडिकेशन ऑल टाइप्स ऑफ कफ, कॉमन कोल्ड एंड ब्रोंकाइटिस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको किसी भी तरह की खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, सर्दी के लक्षण है आप में, या फिर अगर आपको एलर्जी है किसी तरह की, गले में खराश होना, गले में खुजली होना, इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखते हैं ब्रोंकाइटिस, तो इसमें ये जो ग्रिलिंग टस्ट है फ्रेंड्स, इस तरह की आपकी पैकेजिंग दिख रही है। ये जो तीन वेरिएंट्स में आता है, इसकी अलग अलग पैकेजिंग है। एक रेड तरह की पैकेजिंग में आता है, एक आई थिंक पिंक में, और ये एक इस तरह से ग्रीन एंड ब्लू पैकेजिंग में ये आता है। तो आप इसे देख सकते हैं इसके पैकेजिंग फ्रेंड्स। और अगर आपको कॉमन कोल्ड या सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या ब्रोंकाइटिस की समस्या है, तो आप इस ग्रिलिंग टस कफ सिरप को ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसे कितनी मात्रा में लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोजेस दिए हुए हैं। अगर अडल्ट इसे ले रहे हैं तो 1 teaspoon फुल आपको, मतलब कि 5 ml 3 to 4 times इन्हें डे लेना है। चिल्ड्रन जो अबव 2 years है, यानी 2 साल के ऊपर के बच्चों को ही आप इस ग्रिलिंग टस कफ सिरप को दे सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनेटली लेसर डोजेस डिपेंडिंग अपॉन देयर एज और एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। अगर आप इसे बच्चों को देना चाहते हैं तो आप एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करें और वो जितना आपको डोज बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019, एक्सपायरी डेट 2021। तो 2 साल की जो है इसकी लाइफ शेल्फ दी हुई है। और यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हो, 95 rupees। तो 95 rupees में आपको ये जो ग्रिलिंग टस कफ सिरप है फ्रेंड्स, ये 100 ml की बोतल आपको मिलती है। और इस तरह की ये बोतल आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांच की बोतल है फ्रेंड्स। तो केयरफुली इसका यूज़ करें आप, अगर ये गिर जाती है तो ये टूट सकती है। तो बच्चों की पहुँच से इसे दूर ही रखें, क्योंकि बहुत ही डेंजरस है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी पैकेजिंग कांच की है। बाकी चीज़ें इस आउटर पैकेजिंग में दी हुई है, वही इसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो फ्रेंड्स आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है जब भी आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं। आप इसका डोज और ड्यूरेशन जो है वो डॉक्टर की एडवाइस से ही ले, आपकी जो भी मेडिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ही आपको इस मेडिसिन को डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, इसका डोज कितना लेना है।
और इसका ड्यूरेशन आपको कितना रखना है। इसके अलावा इस मेडिसिन को लेने के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है फ्रेंड्स, वो है नौशिया, पेट में दर्द होना, डायरिया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, स्लीपीनेस, ये सारे लक्षण आपको इस मेडिसिन को लेने के बाद एज ए साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप डॉक्टर के एडवाइस से ही इस मेडिसिन को ले। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेकर इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपका जो डिजीनेस की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए आप अल्कोहल लेकर इस मेडिसिन को लेना अवॉइड करें। इसके अलावा इस मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप किसी तरह के लीवर या किडनी डिसीज से सफ़र कर रहे हैं तो आप इस मेडिसिन को ना लें, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट वुमन है उन्होंने भी इस मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को ले। सो फ्रेंड्स, ये वो सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस ग्रिलिंग टस एंटी कफ सिरप को लेते हैं तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेंगे। अगर आप भी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, ड्राई खांसी स्पेशली या बलगम वाली खांसी है आपको, सर्दी, कॉमन कोल्ड के लक्षण अगर दिखते हैं तो आप इस ग्रिलिंग टस कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फ्रेंड्स, मैं इसे खुद लेती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसे लेकर बहुत ही अच्छा रहता है। ये जो कफ सिरप है फ्रेंड्स मेरा फेवरेट है, मुझे बाकी कफ सिरप इतने पसंद नहीं आते जितना ये ग्रिलिंग टस का कफ सिरप मुझे पसंद आता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ख़रीद सकते हैं और आप इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का मेरा ये छोटा सा रिव्यू वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और भी प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड वीडियोस के लिए, इसके अलावा हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हेल्थ।